श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ही हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी। देखिए, सभी पूज्य संतों का और खास तौर पर गोरखपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। श्रद्धेय अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य से राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था श्रद्धेय अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में, आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली।